हम इंसान हैं, जब तक हम इस धरती पे हैं हम लोग इंसान हैं, और जैसे ही हम दूसरी धरती पे जाते हैं दूसरी धरती वासियों के लिए हम एलियंस हो जाते हैं, या फिर वो हमारे लिए एलियंस है क्योंकि हमारी धरती के लिए हम लोग इंसान हैं और दूसरी धरती के लिए हम लोग एलियंस, क्योंकि जिस भी जीव को दूसरी धरती से या दूसरे प्लैनेट से आया होता है उसे हम कहते हैं एलियंस। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए वो जो घंटा है गाइस उसे भी दबा देना। अगर आपने उसे दबाया तो जादू देखना गाइस, वो जो घंटा है वो खाली था एकदम से भर जाएगा। तो लेट्स बिगिन आज का वीडियो। तो गाइस, करोड़ों सालों पहले एक ऐसी चीज़ घटी थी जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जो थी द बिग बैंग। बिग बैंग करोड़ों स्टारों के टकराने से फूटा था, जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का क्रिएशन हुआ था। धरती पे जितनी भी चीज़ें क्रिएशन हुई हैं ये पूरी दुनिया में, वो या तो गॉड ने बनाई हैं या तो हम इंसानों ने। तो उसी से एक ऐसी चीज़, मतलब एक ऐसा पहलू सामने आता है कि क्या वो बिग बैंग हम इंसानों ने या हमारी एक प्रजाति एलियंस ने किया था। तो हाँ गाइस, ये जो प्रजाति एलियंस हैं ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इतनी क्षमता होती है कि हमारा जो सूरज है सोलर सिस्टम का उसे उठा कर ले जा सकते हैं। इसीलिए गाइस हम कह सकते हैं कि जो बिग बैंग हुआ था वो जानबूझ के हुआ था, जो एलियंस ने किया था ताकि हम इंसानों का क्रिएशन हो सके। अगर हम इंसान कभी बनते ही नहीं तो ना तो एलियन बन पाते और ना ही ये धरती या आप और मैं एक साथ होते। इसीलिए गाइस हम एक पहलू निकाल सकते हैं अलग सा कि एलियंस ने क्रिएशन किया है इस धरती का। और सेकंड पहलू गाइस ये भी हम निकाल सकते हैं कि ये जो धरती है इसका क्रिएशन भगवान ने किया है बिग बैंग करा के, ताकि सूरज बने और सूरज से जो हीट निकलती है उससे डर्ट पार्टिकल्स और बाकी के पार्टिकल्स मिलकर एकजुट हो जाएं और एक ऐसा प्लैनेट बने जहाँ पे इंसान रह सकते हैं। और हाँ गाइस, ये जो हमारी अर्थ है ये सेकंड सबसे ज़्यादा फर्टिलेबल प्लैनेट है गाइस, और जो हमारा सबसे पहला प्लैनेट है वो था मार्स। तो गाइस जो मार्स है उससे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जो बिग बैंग में हुआ था तो मार्स जो था वो भी बिग बैंग से ही क्रिएट हुआ था, और जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी बिग बैंग से हमारे मार्स को मिली थी उतनी ज़्यादा अर्थ को कभी मिल ही नहीं पाई। और गाइस एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरफ से ये है कि जो मार्स है गाइस वो शायद से इंसानों का घर अभी भी है, क्योंकि इलॉन मस्क ने सोचा है कि मार्स पे जाके रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। गाइस ऐसा भी हो सकता है कि मार्स के अंदर हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब हमारे जो एलियन हैं, उन्होंने बस्ती बसा रखी हो। तो गाइस ये तो मेरा एक पहलू था, इस पहलू को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बताऊंगा। अब यहाँ अपने मेन टॉपिक में थोड़ी और बातें करते हैं जो कि है बिग बैंग। तो गाइस बिग बैंग से जो आकाशगंगा बनी थी, आकाशगंगा बनने के बाद हमारा सोलर सिस्टम जो क्रिएट होने वाला था उससे पहले गाइस बहुत सारे स्टार्स एक साथ फिर मिले थे और क्रिएट हुआ था नेब्यूला। और गाइस जो नेब्यूला है उसके बाद ही हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका क्रिएशन हुआ था, और उस सोलर सिस्टम के क्रिएशन से ही सबसे पहले जो इंसान है वो जब एलियंस थे तो उन्होंने सबसे पहले बस्ती बसाई मार्स में। और जैसे उन्होंने मार्स में बस्ती बसाई उसके बाद उन्होंने दो इंसानों को धरती पे भेजा जिन्होंने अर्थ का एक नज़ारा देखा कि कैसी है अर्थ, और उन्होंने सुपर स्पीड टाइम ट्रैवल से अर्थ के पूर्वज टाइम में गए। और इसी से गाइस हम ये कह सकते हैं कि जो एलियंस हैं वही हमारे बिग बैंग के क्रिएटर्स हैं, और अगर एलियंस नहीं होते तो आज ये धरती नहीं होती। और गाइस जो एलियंस हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला गाइस जो मार्स पे रहते हैं और दूसरा यूरेनस पे। गाइस जो यूरेनस पे एलियंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, उनसे कोई भी नहीं जीत सकता, इसलिए उन्हें वहाँ कैद कर रखा है। तो गाइस ये जो हमारी आकाशगंगा है इसमें जो ब्लैक होल्स हैं वो भी बिग बैंग से क्रिएट हुए थे, क्योंकि बिग बैंग एक ऐसी चीज़ है अगर वो एक पहलू में कुछ अच्छा करती है जैसे हमारा सोलर सिस्टम बनाती है, तो दूसरे ही पहलू में वो कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ बना देती है जो हमारे सोलर सिस्टम का बस एक चुटकी में अंत कर सकता है। तो इसीलिए गाइस एक तरफ सोलर सिस्टम बना तो दूसरी तरफ ब्लैक होल। तो जो बिग बैंग था वो एक ऐसा ब्लास्ट था जिसमें स्टारों ने अपनी जान दी, मतलब डेथ स्टार्स बन गए वो उसके बाद, और उन्होंने नेब्यूला और सोलर सिस्टम और ब्लैक होल तक का क्रिएशन किया।
और इसी ब्लैक होल से आज करोड़ों प्लैनेट ने अपनी जान दे रखी है, और बहुत सारे प्लैनेट्स के जो सन्स हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें गाइस, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी है सिर्फ एक ब्लैक होल की वजह से। लेकिन गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि बिग बैंग जो है वो कुछ करोड़ों सालों में दोबारा होगा, तो आप सोच भी नहीं सकोगे गाइस, आप शॉक हो जाओगे एक तरह से। तो इसीलिए गाइस जो बिग बैंग है वो गाइस सालों के बाद खुद को दोबारा से दोहराता है, जैसे हर बार हिस्ट्री खुद को दोहराती है वैसी बिग बैंग भी है। या तो अरबों या तो खरबों साल ले लेता है कभी कभी, और कभी कभी लाखों साल में हो जाता है। तो गाइस इससे आप लोग सोच सकते हैं कि जो बिग बैंग है वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। अगर वो दोबारा हो तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो फट के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और कोई नया सोलर सिस्टम नहीं बनेगा। तो गाइस इससे बचाने के लिए शायद एलियंस भी हमारी मदद करें उस बिग बैंग को रोकने के लिए, क्योंकि एलियंस तब तक इतने विकसित हो जाएंगे कि बिग बैंग तक को रोक सके। और जो बिग बैंग है वो गाइस कुछ कलरों के मिलने से भी होता है। तो गाइस इसमें तीन कलर यूज़ होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। इन तीन कलर और स्टार, डेथ स्टार के फटने से गाइस बिग बैंग क्रिएट होते हैं, जिससे धरती पे मतलब पूरे संसार में कोहरा जम जाता है कुछ करोड़ों सालों तक। और जब वो कोहरा ठीक होता है तब पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, जिनकी मदद से हम लोग जी रहे हैं, जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें दे रहे हैं। और इसीलिए जो बिग बैंग है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। और नेब्यूला और बिग बैंग कभी भी साथ में अगर मिले तो पूरा जो यूनिवर्स है वो ख़त्म हो सकता है एक चुटकी में। जैसे ही अगर यूनिवर्स ख़त्म हुआ तो कुछ नहीं बचेगा, ना एलियंस बचेंगे ना कुछ, क्योंकि एलियंस भी इस धरती का एक पहलू है, एक दुनिया का पहलू है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। और इसीलिए गाइस बिग बैंग बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ है, और एक बिग बैंग से करोड़ों मौतें हो सकती हैं एक ही सेकंड में। तो इसी से गाइस बिग बैंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर ना हो तो अच्छा है, लेकिन उसी बिग बैंग से हमारा क्रिएशन हुआ है तो एक टाइप से हमारे लिए वो अच्छी है, लेकिन कभी भी बिग बैंग किसी के साथ भी हो सकती है। तो गाइस जैसे जैसे ये बिग बैंग होती है वैसे वैसे गाइस हमारी दुनिया के साथ अलग अलग पहलू घटते हैं, और इन्हीं पहलू के साथ हम लोग चलते हैं। हमारी लाइफ जो है वो हमेशा 3D डायमेंशन में रहती है जो बिग बैंग से क्रिएट हुई है। और जो बिग बैंग है गाइस वो एक 3D डायमेंशनल है, लेकिन गाइस एक टाइप का और बैंग है, उसके बारे में गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड में बताऊंगा। उससे 4D डायमेंशन का क्रिएशन हुआ था, और उसी से गाइस जो एलियंस जैसे दिखने वाले प्राणी हैं वो क्रिएट हुए थे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर देना गाइस इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि गाइस अगर आपने सब्सक्राइब किया तो ग्रे हो जाएगा और उस घंटे को भी टन टन कर देना। तो गुड बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।